नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम और एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि एक बाबा रामदेव जी की आरती, बहुत ही प्यारी सी आरती, बाबा रामदेव जी की आरती इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आरती के अंदर कौन सा सुर लगेगा, कैसे इसको गाना है, कैसे बजाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, एक बार इस आरती को मैं आपको गा के सुना देता हूं कि किस तरीके से इसको अपने को गाना है। उसके बाद में बिल्कुल आसानी से देसी अंदाज में स्टेप बाय स्टेप पहले तीसरी काली से गाएंगे, फिर चौथी काली से गाएंगे। तो आपको अपने स्केल के अंदर इसका प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आसानी से आसान जो सुर है वो उसमें लगने वाले हैं। तो एक बार सुनिएगा इसकी जो राग है उसको, उसके बाद में इसके स्केल की और सुर की बात करते हैं। का कमरा की होवे आरती, अरे जियो भाई अजमल का कमरा की होवे आरती, अरे भरियो भरियो मोतिया वालो ताल भाई मारा राम साबीरा की होवे आरती, भरियो भरियो मोतिया वालो ताल भाई मारा साबीरा की होवे आरती, देखो भाई सुगना का वीरा की होवे आरती, देखो भाई सुगना का वीरा की होवे आरती, जियो भाई अजमल का कमरा की होवे आरती। आरती की जो बोल है वो है जियो भाई अजमल का कमरा की होवे आरती। मैंने इसको तीसरी काली से बजाया, यहाँ से सुर लगे सा रे मा पा धा सा, सारी मा पा धा सा वाला स्केल मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, और जो मैंने सुर लगाए वो यहाँ तक लगाई थी पा तक। देखो अब दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो सारे मापा दशा वाला स्केल इसके अंदर लग रहा है, मैंने बार बार बताया स्केल को। तो देखो सारे माँ, अरे जियो भैया, जियो भैया, जियो भैया अजमल का कमरा की होवे आरती। तो देखो अजमल का कमरा की, जियो भाई अजमल का कमरा की, जियो भाई अजमल का कमरा की, जियो भाई अजमल का कमरा की होवे, अजमल का कमरा की, अजमल का कम, देखो साफ ही चल रहा है, अजमल का कमरा की होवे आरती। इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो अगला अंतरा कैसे चला है? अरे भरियो भरियो मोतिया वालो ताल भाई मारा, यहाँ तक देखो गा से स्टार्ट हो, सॉरी माँ से स्टार्ट हो रहा, अरे भरियो भरियो मोतिया वालो ताल भाई मारा राम सा पीरा की होवे या
दोस्तों नोटेशन को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुर का ज्ञान हो जाएगा तो आप किसी भी बटन से इसको प्ले कर सकते हो। कोई सा भी भजन है, गीत है, गाना है, तो उसको अपन बजा सकते हैं अगर अपने को सुर का ज्ञान हो गया तो। नोटेशन रटने से तो एक ही स्केल में बजा पाएंगे अपन, तो सुर का ध्यान करें, सुर को पहचाने, उसका जो उतार चढ़ाव है उसको हम लोग पहचानेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, देखो भरियो भरियो मोत्या वालो थाले भाई मारा राम सापी राखी होवे आरे ती। देखो भाई सुगना का, देखो भाई सुगना का, देखो भाई सुगना का वीरा की होवे आरे ती। देखो भाई सुगना का वीरा की होवे आरे ती। अब दोस्तों इसी को आपको चौथी काली से बजाना, तो ये देखो ये पैटर्न लगेगा सारे मा पा, ये वाले स्केल इसके अंदर लगेगा। आवाज एक सुर ऊपर चढ़ गई, देखो आप आवाज को पहचाने। तो यहां से सारे मा पा धा सा ये वाला स्केल। जियो भाई अजमल का कमरा की होवे आरे ती। जियो भाई अजमल का कमरा की होवे आरे ती। भरियो भरियो मोचा वालो ताले भाई मारा राम साबी राखी होवे आरे ती। भरियो भरियो मोचा वालो ताले भाई मारा राम साबी राखी होवे आरे ती। देखो भाई सुगना का भी राखी होवे आरे ती। देखो भाई सुगना का भी राखी होवे आरे ती। आवाज का जो रेंज है वो आपने पहचाना होगा, पहले आवाज थोड़ी नीचे चल रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर चल रही है। तो ये जो सुर का जो उतार चढ़ाव है इसको अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहां से बजाएंगे, देखो सा इसको मान लिया, आवाज यहां स्थिर हो गई, आवाज इससे ऊपर रहेगी। अब देखो अजमल का कमरा की होवे आरे ती। तो ये जो उतार चढ़ाव है वो अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्केल में, किसी भी स्केल में बजाओ, अगर सुर का ज्ञान हो गया तो ऑटोमेटिकली आप प्रत्येक स्केल में बजा पाएंगे।